आज हम कर रहे हैं यूनिट 4.6 माय टेलीस्कोप। आज हम जिससे पहले आगे बढ़े, मैं एक स्पेशल शाउट आउट देना चाहूंगी हमारी सब्सक्राइबर सरिता बोटे को, जिन्होंने इस वीडियो के लिए हमारे लिए स्पेशल रिक्वेस्ट दी थी। सो थैंक यू सो मच। और खास आपके लिए आज हम ये कंप्लीट करेंगे हमारा यूनिट 4.6 माय टेलीस्कोप का हिंदी एक्सप्लेनेशन और लेसन एक्सरसाइज। तो चलिए पढ़ते हैं आगे, इसको पहले हम पढ़ेंगे साथ में। तो शुरू करते हैं। माय टेलीस्कोप, आई बॉट माइसेल्फ अ टेलीस्कोप टू लुक इनटू द स्काई। अब सबसे पहली चीज, टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप एक बड़ी सी दूरबीन होती है जिसमें अलग अलग जगहों पर शीशे होते हैं, जिससे हमें दूर की चीज पास दिखती है। और वो भले ही इतनी दूर, चांद तारों जैसी दूर क्यों ना हो, तो भी हमको एकदम करीब दिखती है। तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं टेलीस्कोप। और यहाँ पर एक दूसरा शब्द है जो है बॉट। हमेशा याद रखिएगा, बॉट आता है शब्द बाय से। बॉट आता है बाय से, जब हम कुछ खरीद कर लाते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं बॉट और बाय। एक और शब्द है जो एकदम इसी के जैसा सुनाई पड़ता है लेकिन थोड़ा सा अलग है, और वो है ब्रॉट। ब्रॉट आता है शब्द ब्रिंग से। तो बॉट जब हम कुछ खरीद कर लाते हैं, और ब्रॉट जब हम एक चीज यहाँ से वहां ले जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई ब्रॉट माई बुक टू स्कूल, या आई ब्रॉट माई टॉय फ्रॉम द कबर्ड टू माई रूम। सो आई ब्रॉट, आप लेकर आए एक जगह से दूसरी जगह, आई ब्रॉट। पर जब हम बॉट कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम कुछ खरीद कर लाए हैं। सो आई बॉट माई सेल्फ अ टेलीस्कोप। अब जब वो दूरबीन लाया है तो कहाँ देखेगा? टू लुक इन टू द स्काई, आकाश की तरफ देखेगा। तो दूरबीन से आकाश की तरफ देख रहा है, और वो आकाश की तरफ जब हम रात को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? टू सी द सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल। और हमारा सौर मंडल क्या है? ग्रह, तारे और उनके सैटेलाइट्स, जो उनके जो चांद होते हैं, मून होते हैं, ये तीनों मिलकर बनता है हमारा सौर मंडल, सोलर सिस्टम। एंड द कॉमेट्स विजिंग बाय। कॉमेट जो होता है हिंदी में धूमकेतु, लेकिन इस धूमकेतु को हमें गिरते तारे के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। धूमकेतु अलग होता है, ये एक बर्फ, आग, धूल और कभी कभी और बर्फ का गोला होता है, कॉमेट्स। और ये विजिंग बाय, क्योंकि ये कोई गिरता तारा नहीं है, ये एक धूमकेतु है जो खूब रफ्तार से हमारे आकाश पे आता है। और ये भी हमारे सौर मंडल की तरह सूर्य के आसपास परिक्रमा करता है। और कुछ कुछ धूमकेतु 100-100 सालों बाद आते हैं। एक आता है 84 ईयर्स बाद, एक आता है 100-150 साल में एक बार। तो जब कभी आप ऐसा कहीं सुने कि हमारे आकाश में धूमकेतु दिखने वाला है, तो आप ये जान ले कि शायद ये आपके जीवन में एक ही बार होने वाली घटना है, ये दोबारा शायद कभी नहीं होगी। क्योंकि ये धूमकेतु अलग अलग समय पर आते हैं, लेकिन अपने ही समय पर आते हैं। ये बहुत हजारों साल लेते हैं, कुछ 100 साल लेते हैं, कुछ 100-100 सालों में एक बार आते हैं, कुछ 80 सालों में एक बार आते हैं। तो एंड द कॉमेट्स विजिंग बाय, तो जो लोग टेलीस्कोप को का इस्तेमाल करके इस तरह चांद, तारों, ग्रहों को देखते हैं, उनके लिए एक बहुत खास क्षण होता है जब उन्हें कोई कॉमेट दिख जाए। और इसके लिए वो बहुत ही स्पेशल तैयारी करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि कहीं से कोई धूमकेतु आने वाला है, तो उसके लिए अलग अलग से कैंप लगते हैं। और आपको जब ये सब सौर मंडल या टेलीस्कोप से देखना हो, तो इसे हम शहर की रोशनी में नहीं देख सकते। हमें इसे शहर की रोशनी से दूर कहीं गांव खेतों की तरफ या बीच की तरफ, समंदर की तरफ, ऐसी जगह जाना पड़ता है जहां पर शहर की रोशनी ना हो।
तभी आपको ये सब दिख पाएंगे। शहर की रोशनी में हमारे चांद तारे नहीं देख पाते। चांद भले ही दिख जाए लेकिन तारे हम उतनी अच्छी तरह से नहीं देखेंगे। आगे पढ़ते हैं। अब जब उसके पास एक टेलीस्कोप आ गया है, एक दूरबीन आ गई है जिसमें जिससे वो अब आकाश देख रहा है, तो आकाश में क्या ढूंढेगा? आई सर्च द स्काई फॉर प्लैनेट्स, कहता है मैं आकाश में अब ग्रहों को ढूंढ रहा हूँ। सर्च ढूंढना, आई सर्च द स्काई फॉर प्लैनेट्स, ग्रह, फॉर सैटेलाइट्स एंड स्टार्स, जो ग्रहों के चांद होते हैं इन्हें सैटेलाइट कहा जाता है, और हम भी जो यहाँ से सैटेलाइट भेजते हैं उन्हें भी सैटेलाइट कहा जाता है। सिर्फ फर्क ये होता है, एक को कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट, जो चांद होते हैं ग्रहों के इन्हें कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट, और जो सैटेलाइट हम भेजते हैं आकाश में हमारे सौरमंडल में उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो हमने भेजा है, जिससे हमें हमारा टीवी देखने मिलता है और बहुत सारी जो भी हमें वेदर फोरकास्ट मिलती हैं कि कैसा आज मौसम रहेगा, ये सब होता है हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट से। और स्टार्स, तो उसे अब जब वो टेलीस्कोप से देख रहा है तो उसे ग्रह दिखते हैं, उसके चांद दिखते हैं और सितारे दिखते हैं। एंड नाउ आई हैव गॉट अ टेलीस्कोप, दे डोंट सीम वेरी फार। अब जब उसके पास दूरबीन आ गई है तो दूर की चीज पास दिखती है, तो वो कहता है कि अब जब मेरे पास एक दूरबीन आ गई है तो ये सब बहुत दूर नहीं लगते, दे डोंट सीम वेरी फार। आगे पढ़ते हैं। इट्स ब्रॉट देम वेरी क्लोज टू मी, इट्स मेड द स्टार्स माय फ्रेंड्स, कहते हैं दूरबीन इन्हें मेरे बहुत करीब ले आई है और सितारों को मेरा दोस्त बना दिया है। अब ये क्यों कहता है सितारों को मेरा दोस्त बना दिया है? क्योंकि जब आप दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं और इससे आप रोज जब आकाश की तरफ देखते हैं तो आप अपने आकाश में हर तारे को उसके नाम से जान सकते हैं। आप जान सकते हैं कि ये तारा ये है, ये तारे का नाम ये है। इसी तरह हमें कॉन्स्टिलेशन दिखते हैं, जब हम आकाश की तरफ देखकर अलग अलग नक्षत्रों के नाम लेते हैं तो वो इसीलिए, क्योंकि लिए हम उन तारों को उनके नाम से जानते हैं। और जब आप किसी को उसके नाम से जानो तो वो आपका दोस्त है, क्योंकि वो आपके करीब है, आप उसे उसके नाम से जानते हो। तो इट्स ब्रॉट देम वेरी क्लोज टू मी, मेरे बहुत करीब आ गया है। एंड इट्स मेड द स्टार्स माय फ्रेंड, सितारों को मेरा दोस्त बना दिया है। एक्सेप्ट ऑफ कोर्स व्हेन आई मेक अ मिस्टेक, लेकिन सिर्फ तभी जब मुझसे कोई गलती होती है। एंड लुक थ्रू द रॉन्ग एंड, मतलब कभी कभी क्या गलती हो जाती है, जब वो दूसरी तरफ से देखता है तो ये जो सितारे हैं जो उसके बहुत करीब हैं इससे बहुत दूर दिखाई पड़ते हैं। तो एक्सेप्ट ऑफ कोर्स, सिर्फ उसी समय, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स व्हेन आई मेक अ मिस्टेक, जब मुझसे कोई गलती हो जाए। एंड लुक थ्रू द रॉन्ग एंड, और मैं दूरबीन की गलत तरफ से देखता हूँ। हम हमेशा दूरबीन को छोटे कांच से बड़े कांच की ओर देखते हैं, लेकिन जब आप उसी को उल्टा करके देखोगे, जब आप बड़े कांच से छोटे की तरफ देखोगे, छोटे आईने की तरफ, तो आपको चीज़ें और भी दूर नजर आएंगी। तो एक्सेप्ट ऑफ कोर्स व्हेन आई मेक अ मिस्टेक एंड लुक थ्रू द रॉन्ग एंड, और इस पोएम को लिखा है टोनी ब्रैडमैन ने। अब हम वापस से एक बार इस कविता को पढ़ेंगे ताकि हम इसे अच्छी तरह से पढ़ पाए। इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। अब आप जान गए होंगे, बॉट आता है बाय से, ब्रॉट आता है ब्रिंग से, इसे हमेशा याद रखिएगा। चलिए पढ़ेंगे साथ में। I bought myself a telescope to look into the sky, to see the solar system and the comets whizzing by. I searched the sky for planets, for satellites and stars,
and now I've got a telescope, they don't seem very far. It's brought them very close to me. It's made the stars my friends. Except, of course, when I make a mistake and look through the wrong end. By Tony Bradman. और इसमें हमें कुछ सवाल भी पूछे हैं. पहला उन्होंने पूछा है, What do you see in the sky? तो अब इन्होंने हमें ये नहीं कहा है कि sky at night या sky at day. तो आपकी टीचर ने आपसे क्या पूछा है उस अनुसार आप जवाब लिख सकते हैं. I see the moon, planet and stars at night. Or you can just say, या तो आप बोल सकते हैं, I see the moon and stars at night. क्योंकि जब तक आपके पास दूरबीन नहीं हो, तब तक आपको ग्रह नहीं दिख सकते. सिर्फ आपको मार्स दिखेगा, क्योंकि मार्स आपको एक लाल डॉट दिखेगी आकाश में, तो आप जान सकते हैं कि ये मार्स है. वीनस भी हमें दिखता है, लेकिन वीनस हमें सूरज उदय होने से पहले तुरंत और सूरज ढलने के तुरंत बाद दिखता है, होराइजन पर, क्षितिज पर. तो आपकी टीचर जैसा कहे उस अनुसार आप लिख सकते हैं, आई सी द मून एंड स्टार्स एट नाइट. अगर वो डे स्काई भी कहे तो आई सी द सन एंड क्लाउड्स ड्यूरिंग द डे इन द स्काई. और विस्तार में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि आई सी द सन, द क्लाउड्स, द एरोप्लेन्स, बलून्स, बटरफ्लाइज ड्यूरिंग द डे इन द स्काई. नाइट में हमें कौन से जानवर, कौन से पक्षी दिखते हैं, हमें आकाश में कौन से पक्षी दिखते हैं, उल्लू और मौत. तो हम लिख सकते हैं, आई सी द मून एंड स्टार्स एट नाइट. आई कैन ऑल्सो सी आउल्स एंड मॉथ्स इन द स्काई एट नाइट एंड जेट्स. हमें कभी कभी प्लेन्स भी दिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं प्लेन्स ऑल्सो, आई सी एरोप्लेन्स ऑल्सो एट नाइट. तो आपकी टीचर जैसा कहे आप वैसा लिख सकते हैं, लेकिन छोटे में ये आंसर भी सही है. अब आगे हम अलग अलग शब्द देखेंगे, हमें इसमें कौन से नए शब्द मिले हैं. फार, दूर, फार. सीम, अब इसमें डबल ई है तो हम कहेंगे सीम, सेम नहीं, सीम. स्टार्स, स्टार्स नहीं, आर है ना, तो आर का प्रोनाउंसिएशन देंगे. स्टार्स, सोलार, कॉमेट्स, कमेट नहीं, कॉमेट्स. सिस्टम, बॉट. माई सेल्फ, अपने लिए, मेरे लिए, माई सेल्फ. सर्च, प्लैनेट्स. टेलीस्कोप, ओके, टेलीस्कोप नहीं, टेलीस्कोप. विजिंग, ये ज का साउंड आना चाहिए, विजिंग. और सैटेलाइट्स. तो ये हमें आज नए शब्द मिले हैं हमारे पोएम यूनिट 4.6 माय टेलीस्कोप में. ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और आपको अगर कुछ कहना हो या आप चाहते हैं हम और कुछ भी सिखाएं तो प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर. थैंक यू सो मच. Do remember to like, share, subscribe and click the bell icon to stay updated on all of the latest videos. Please let us know in the comment section below what other lessons you would like us to make. We would love to hear from you. Thank you for watching.